मोदी जी के मंत्री ने जुमले का दागा है ऐसा गोला, मोदी जी के मंत्री ने जुमले का दागा ऐसा गोला, क्या मंदी के पीछे सच में है उबर ओला। ये आशुकवि का नहीं है, ये बड़ा एक कड़वा सच हो गया इस देश का कि मंडियां पड़ी है सूनी, बाजार पड़ा है मंदा। मंत्री जी जुमलेबाजी का अब बंद करिए धंधा। ये अचरज की बात है कि भारत के वित्त मंत्री एक नया अर्थशास्त्र हम सबको सिखा रहे हैं जिसके अंतर्गत उबर ओला कम से कम आर्थिक ढांचे के एक बहुत बड़े सेक्टर ऑटो सेक्टर के लिए जो मंदी चल रही है उसके लिए जिम्मेवार है। दिस रिमार्केबल अनबिलीवेबल स्टेटमेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट्स द इनएफिशिएंसी, द इमैच्योरिटी एंड द इनएक्सपीरियंस, द थ्री आईज एज मिस्टर मोदी वुड से ऑफ द बीजेपी इन गवर्नेंस। द ग्रोस ओवर स्टेटमेंट मेड बाय द FM इज ए ग्रेव जोक ऑन द इकोनॉमी ऑन द कंट्री। Why? Because the dip in the GDP is the real new normal for this government. You have all seen the quotation. I need not repeat it, but those of you who missed it, in quotes it is, the automobile and components industry has been affected. One reason is BS6. And the mindsets of millennials who now prefer to have Ola and Uber rather than committing to buying an automobile, unquote. And the second thing is, a dip of GDP, quote, is part of growth, unquote. That is why I said it's the new normal, because growth should be normal. So the new normal for the BJP government is a dip in GDP. I am sure that she will not do what is deserved to be done. So may I request Modi ji to do it for us, expunge her remarks and seek an apology from her to the nation. दोस्तों, सिर्फ एक बात, मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने अभी आर्थिक ढांचे पे आपके समक्ष मैंने खुद ने कई आंकड़े रखे हैं कुछ दिनों पहले, लेकिन ये तो सबको प्राथमिक कक्षा से बड़े लोगों को पता है कि उबेर और ओला कई दशकों से इस देश में है, कई वर्षों से इस देश में है, और यह भी पता है कि जो मंदी है वो कुछ समय से चल रही है। ये उबेर ओला का कारण कहां से आया अचानक? ट्विटर के हैशटैग्स चल रहे हैं उसके बाद से, बॉयकॉट मिलेनियल्स एक हैशटैग का नाम है और दूसरा है से इट लाइक निर्मला ताई। तो ये मिलेनियल्स के ऊपर भी और वृद्ध लोगों के ऊपर भी बहुत ही कड़वा जोक है। अब मैं माननीय वित्त मंत्री के इस लॉजिक को 10 प्रश्नों के अंतर्गत अप्लाई करने का प्रयत्न करता हूं आपके साथ। लॉजिक आपने नोट कर लिया है कि ऑटो सेक्टर में मंदी का एक मुख्य कारण, दो ही कारण दिए थे, एक मुख्य कारण है उबेर ओला। And the logic of the finance minister on economic slowdown, if applied to 10 questions, 10 sectors, 10 issues, will make it comical. Comical, though it is, of course, tragic for the nation. और मैं आपको ये मजाकिया, यद्यपि ये दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए मजाकिया है वैसे, वो 10 प्रश्न और पक्ष रखता हूँ। पहला तो है मिलेनियल माइंडसेट, ओला एंड उबर आर रिस्पॉन्सिबल। मैंने आपको बता दिया है, इसके आंकड़े आपके समक्ष हैं। अभी हम इस कॉन्फ्रेंस के बाद आपको वो आंकड़े देंगे कि कितने महीनों से कितनी जबरदस्त 31% गिरावट हुई है। बेचारे उबर और ओला तो तालियां बजा रहे होंगे कि 31% गिरावट उन्होंने अकेले इस सेक्टर में कर दी। बहुत जबरदस्त उनको मान सम्मान मिला है कि इतनी शक्तिशाली दो कंपनियां हैं। My second question, applying the FM's logic, mark my words,
अप्लाइंग द एफएम्स लॉजिक मैडम आर लैंडलॉर्ड्स एंड मिलेनियल्स हु गो फॉर रेंटेड अकोमोडेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिसेशन इन द रियल एस्टेट मार्केट। अब देखिए लॉजिक का बड़ा प्रभावशाली एक परिणाम होता है। तो इस लॉजिक का दूसरा प्रश्न वही लॉजिक है बिल्कुल, मिलेनियल और लैंडलॉर्ड जो हैं या व्यक्ति जो यंग लोग हैं वो लोग रेंटेड अकोमोडेशन के लिए जाते हैं, इसी कारण से रियल एस्टेट सेक्टर बैठ गया है। क्या उत्तर देंगी मुझे पता नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। वैसे बता दूं मैं आपको जो हमने बताया था कुछ समय पहले कि इस सेक्टर का रियल एस्टेट सेक्टर की दुर्दशा जो है 250 एंसिलरी सेक्टर्स से संबंध रखता है ये एक सेक्टर 250, और कंसल्टेंसी फर्म्स की आंकड़े प्रकाशित हुए हैं 30 मुख्य शहरों में लगभग 13 लाख घर बिकने को वेट कर रहे हैं 13 लाख, और उन्होंने आंकड़े दिए हैं कोची के, जयपुर के, चेन्नई के 5-5 वर्ष तक, 5.5 वर्ष तक इन्वेंटरी नहीं बिक रही है। ये जरूर उन मिलेनियल्स के कारण है जो रेंट पे ले रहे हैं आजकल, घर खरीद नहीं रहे हैं। तो दोषी कौन है? सरकार नहीं, वो यंग लोग, युवा लोग जो रेंट करते हैं। तीसरा माननीय वित्त मंत्री के लॉजिक का एप्लीकेशन, आई आस्क द थर्ड क्वेश्चन, आर स्पेंडथ्रिफ्ट ओवर स्पेंडिंग होम मेकर्स सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइजिंग फिस्कल डेफिसिट अप्लाइंग द सेम लॉजिक। इज द मनी ओवर स्पेंट बाय स्पेंडथ्रिफ्ट ओवर स्पेंडिंग होम मेकर्स लीडिंग टू एन इम्बैलेंस इन द इकोनॉमीज बैलेंस शीट? इट्स मस्ट, दिस लॉजिक मस्ट अप्लाई इफ द फर्स्ट लॉजिक इज करेक्ट। हमने आपके समक्ष रखे थे ये आंकड़े कि CAG ने रिकैलकुलेट किया और आपको बताया था कुछ ही दिन July 5 जब बजट हुआ था उसके बाद के वास्तविक फिस्कल डेफिसिट 5.85% है, जो आपको बताया जा रहा है 3.5%, 3.46 फेक आंकड़ों के आधार पे। वो मैं आपको आंकड़े लिख के दे रहा हूं आज, मैं आपको आंकड़ों से बोर नहीं करना चाहता, हम आपको लिख के दे रहे हैं। लेकिन मेरा तीसरा प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ये लोग जो खर्चा करते हैं या ओवर स्पेंड करते हैं उसके कारण फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। चौथा, सेम लॉजिक के आधार पर पारिवारिक बिजनेसेस बढ़ रहे हैं इससे रोजगार कम हो रहा है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो रहा है परिवार में, जबरदस्त क्रांति आ गई है पारिवारिक बिजनेसेस की, खूब बिजनेस दौड़ रहे हैं तो रोजगार तो कम होगा ही, ये भी लॉजिक सही है। इसीलिए माननीय वित्त मंत्री वर्कफोर्स लगभग 9 मिलियन 90 लाख से कम हुआ है 12-13 से लेकर 17-18, यानी 1 करोड़ से थोड़ा कम। एग्रीकल्चर में, कृषि में लगभग 26.7 मिलियन यानी 260 लाख 2.5 करोड़ गिरावट हुई है। मैं फिर आंकड़े नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको रोजगार का वित्त मंत्री के अनुसार लॉजिक बता रहा हूं। पांचवा प्रश्न, इसी लॉजिक के अनुसार रुपया कमजोर हो रहा है क्योंकि USA दमदार हो रहा है, विकासशील हो रहा है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ USA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वीकनिंग ऑफ द रूपी, नो फॉल्ट ऑफ द गवर्नमेंट, नो फॉल्ट ऑफ द NDA, नो फॉल्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ओनली द USA's फॉल्ट। आपको आंकड़े पता है ना रुपये के बारे में, अगस्त में एशिया की सबसे बैड परफॉर्मिंग करेंसी मानी गई है, ये बहुत बड़ा एक हर्ष का विषय होना चाहिए इस लॉजिक के अनुसार। 71.70 रुपयों पे चल रहा है डॉलर। मेरा छठा प्रश्न, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी सब बदमाश हैं, गलत हैं, जो भारत की क्रेडिट रेटिंग को कम कर रही हैं। हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है,
ये गलती तो आपकी है, आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं, क्योंकि आपने डाउनग्रेड्स 167 बार किए, 167 टाइम्स इन द लास्ट सिक्स मंथ्स, अपग्रेड्स उसके आधे बार किए, 73 बार। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 6 महीने में, 3 महीने में या 1 महीने में कितनी बार डाउनग्रेड करती हैं, कितनी बार अपग्रेड करती हैं, उसके आधार पे ये आंकड़े दिए जाते हैं। तो गलती सरकार की नहीं है, गलती क्रेडिट एजेंसी की। उन्होंने क्यों 167 डाउनग्रेड्स एज अगेंस्ट 73 अपग्रेड्स किया, रेशियो ऑफ 2:1। सातवां प्रश्न, निर्यात के आंकड़े खराब हो रहे हैं क्योंकि स्वदेशी वाले वकालत करने वाले लोग गलती हैं, जो स्वदेशी की बात करते हैं वो गलत हैं, निर्यात हमारा खराब नहीं है, उनके कारण निर्यात के फिगर्स खराब हो रहे हैं। मैंने आपके समक्ष एक आंकड़ा रखा था, 30 महत्वपूर्ण सेक्टर माने जाते हैं निर्यात के, निर्यात में सेक्टर वाइज लिस्ट बनती है, उसमें से 21 सेक्टर 21 out of 30 हैव रजिस्टर्ड देयर स्टीपेस्ट डिक्लाइन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और उसके उदाहरण आप लोग जानते हैं, जवाहरात, जेम्स, इंजीनियरिंग गुड्स, पेट्रोलियम के गुड्स इत्यादि इत्यादि। ये गलती किसकी है? ये गलती है स्वदेशी एडवोकेट्स वकालत करने वालों की, सरकार की नहीं है। आठवां प्रश्न, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गिर गया है, क्यों? क्योंकि साहूकार और लोकल मनी लेंडर्स का काम बढ़ गया है। भारत के जो लोकल मनी लेंडर्स हैं और साहूकार हैं, उनका खूब अच्छा काम चल रहा है, इसलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अप्रैल से दिसंबर में 7% गिरा है, 7% FDI into India, there is a decline। पूरा साल देखें 18-19 का फिस्कल, तो 1% गिरावट है। इस फिर आंकड़े मैं आपको बोर नहीं करूंगा, आपको देने वाले हैं, मैं उदाहरण के तौर पे इक्का दुक्का आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। मेरा नौवां प्रश्न, रिसर्चर्स ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ड्राफ्टिंग द एनुअल बजट एंड द इकोनॉमिक सर्वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग GDP फिगर्स बिकॉज दे कीप अप्लाइंग डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। GDP फॉल इज नॉट आवर फॉल्ट, इज नॉट द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज फॉल्ट, इज नॉट द प्राइम मिनिस्टर्स गवर्नमेंट्स फॉल्ट, इट इज बिकॉज द रिसर्चर्स हु कीप रिकैलकुलेटिंग दीज फिगर्स वेदर इन द बजट और इन द इकोनॉमिक सर्वे कीप चेंजिंग मेथोडोलॉजीज एंड कीप कन्फ्यूजिंग अस। अब यहां बड़ा रोचक भी है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण भी है आंकड़ा। हम वैसे भी 2 स्थान गिर गए हैं, 7th लार्जेस्ट हो गए हैं, हम ब्रिटेन और फ्रांस के आगे थे, अब ब्रिटेन और फ्रांस के पीछे हो गई इकोनॉमी, 7th लार्जेस्ट फ्रॉम 5th लार्जेस्ट। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमको माननीय प्रधानमंत्री के $5 trillion के उद्देश्य को पहुँचने के लिए इस वर्ष, मैं दोहरा रहा हूँ, इस वर्ष 3 trillion होना आवश्यक है, 3 trillion, और वो आप होंगे सरकारी एस्टिमेट के अनुसार 5.7 वाले ग्रोथ विकास की दर पे। कई लोग मानते हैं कि वास्तविक विकास की दर 4 के आसपास है या 3.5 के आसपास है, लेकिन सरकार खुद स्वीकार करती है कि 5.8% पे। कृपया बताएं कि करंट ईयर में कैसे 3 trillion? उत्तर गलती उन रिसर्चर्स की है, उन आंकड़े लिखने वालों की है, हमारी नहीं है। और अंतिम दसवां प्रश्न, माननीय वित्त मंत्री के लॉजिक के अनुसार जो जबरदस्त 17 वर्ष में सबसे ज्यादा गिरने वाला स्टॉक मार्केट है 17 वर्ष में, वो भूकंप के कारण है। माइक भी भूकंप कर रहा है, सरकार की आर्थिक व्यवस्था के कारण नहीं है। जुलाई में याद रहे, 5 जुलाई को बजट आया था, जुलाई में 17 वर्ष से ज्यादा जो नहीं हुआ वो जुलाई में उतना गिरा है। BSE ले लीजिए, निफ्टी ले लीजिए, मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं, जबरदस्त गिरावट है। बजट के 1 महीने के अंदर 13 lakh crore इन्वेस्टमेंट्स में क्षति हुई थी। ये आंकड़े भी आपके पास हैं, हमने पहले दिए हैं और आपको आज वापस देंगे।
तो दोस्तों, मैं अपने 10 प्रश्नों का आपके माननीय वित्त मंत्री के लॉजिक के अनुसार उत्तर दे चुका हूं। अब मैं चाहूंगा कि वो अपने तर्क के अनुसार माननीय मोदी जी कोई नया उत्तर दें। मैं अपनी बात अंत करना चाहता हूं दो और पक्ष आपके समक्ष रख के एक दो मिनट में। एक तो है कि आपने नोटिस किया कि नहीं कि ये बैंक फ्रॉड की बात जो इतनी होती है, हर देश की जो तकलीफ है, लेगेसी प्रॉब्लम जिसको कहा जाता है, उसका एक और बड़ा रोचक आंकड़ा लेगेसी प्रॉब्लम का प्रकाशित हुआ अभी कुछ दिनों पहले। आरटीआई के अनुसार, आरटीआई के उत्तर के अनुसार 2480 केसेस ऑफ फ्रॉड, यानी 2500 फ्रॉड केसेस 31,000 करोड़ रुपयों के विषय में 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स के मालूम पड़े गए 2019 के फर्स्ट फिस्कल क्वार्टर में। लेट मी रिपीट स्लोली, इन 2019 फर्स्ट फिस्कल क्वार्टर 2480 न्यू केसेस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग 31,000 करोड़ वर डिस्कवर्ड एंड द हाइएस्ट शेयर ऑफ दिस इज 38% विद SBI, द गवर्नमेंट्स प्रीमियर बैंक। द वैल्यू ऑफ बैंक फ्रॉड्स, फ्रेंड्स, दिस वर्ड लेगेसी हैज बिकम अ फैशनेबल वर्ड, हैज इंक्रीज 74% ओनली इन वन ईयर फ्रॉम 18 to 19, व्हेन आई होप देयर वाज नो लेगेसी एक्सेप्ट द लेगेसी ऑफ मिस्टर मोदी। सो मिस्टर मोदीज लेगेसी टू हिमसेल्फ वॉज फ्रॉम FY18 to FY19, आई हैव द फिगर, फ्रॉम 41,000 करोड़ टू 71,000 करोड़, विच इज 74% इंक्रीज। Therefore, I would end by saying 4 supplementary questions to the 10 questions I have already asked. The 10 questions were asked by giving satirical reasons based on the same logic as the FM applied to Ola, Uber. Now, these are non-satirical, non-rhetorical, real questions. Why is the finance minister more interested in cracking jokes and finding excuses instead of putting India at least on some sober path as far as the economy is concerned? Question 1. Question 2. How and with which magical wand does the Prime Minister and the Finance Minister intend to make this hugely underperforming 10 sectoral economy into a 5 trillion economy? तो ये दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था कि ये मजाक क्यों कर रही हैं वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री, और बहाने क्यों बना रहे हैं, उसकी जगह आर्थिक स्थिति को वापस ट्रैक में क्यों नहीं रख रहे हैं। दूसरा कि कृपया ये बताएं कि कौन सी जादुई छड़ी के अंतर्गत आप 5 trillion इकोनॉमी बनाएंगे। तीसरा प्रश्न, ये जो ऑटो सेक्टर जिसका जिक्र किया माननीय वित्त मंत्री ने, वो एक साल से अत्यंत कठिनाइयों में है, रो रही है, चिल्ला रही है। आपका ओला उबर का कारण तो अभी आया है। एक साल में कृपया बताएं कि आपने ठोस 1, 2, 3 क्या कदम उठाए ऑटो सेक्टर के विषय में। द ऑटो सेक्टर हैज बीन शाउटिंग फ्रॉम द रूफ टॉप्स इन पेन एंड एगनी फॉर एटलीस्ट 9 to 12 months। काइंडली डिस्क्लोज टू द नेशन व्हाट कॉन्क्रीट स्टेप्स यू हैव टेकन, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर एंड मैडम फाइनेंस मिनिस्टर, to put it even partially on the right track. And lastly, but most importantly, why is the Honorable Prime Minister hiding behind this inefficient, unperforming, non-performing finance minister? Why is he not stepping forward and taking ownership? Why is he not taking steps concretely and addressing the nation? He addresses the nation so marvelously and beautifully with eloquence on so many issues. Why is he not addressing on this? Why is he silent and hiding on this issue? तो मेरा अंतिम प्रश्न कि माननीय प्रधानमंत्री जो इतने प्रखर वक्ता हैं, इतने मुद्दों पे बोलते हैं, वो क्यों अपने वित्त मंत्री के पीछे छुपे रहते हैं, चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, वो इन 10 सेक्टोरल मुद्दों पे कभी भी खुद बयान क्यों नहीं देते, सामने क्यों नहीं आते देश के, और क्यों नहीं बताते देश को कि या तो कुछ खराबी है या नहीं,
अगर नहीं है तो क्यों त्राही त्राही हो रही है, अगर है तो ठोस कदम आप क्या उठा रहे हैं। धन्यवाद।